नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने कल श्याम से सीएम साहब का ट्वीट देख लिया था कि हरियाणा में 50,000 पदों पर नई भर्ती की जाएगी और किस हिसाब से की जाएगी, क्या तरीके हो सकते हैं, आज उसी पर डिस्कस करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हमें क्योंकि एग्ज़ाम तो इनको लेने पड़ेंगे, 50,000 तो चलो इन्होंने कैसे भी कहा है मैं नहीं जान सकता, लेकिन ना नई भर्तियां कुछ तो इनको करनी होगी अगर विधानसभा में इनको स्टैंड लेना है या खड़ा होना है। अब देखो, सिंपल सी बात है, 50,000 भर्ती कैसे हो सकती है, और इनके पास टाइम मान के चलो 3 महीने का टाइम है। 3 जून में तो ये पेपर लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये कहेंगे स्टाफ नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो 3 महीने में, 90 दिन में ना, जून में पेपर लेंगे नहीं, जुलाई के अंदर है ना, ये आज डिस्कस करें। ये 50,000 भर्तियां हो कैसे सकती है, जून में पेपर लेंगे नहीं, जुलाई में अगर पेपर लेंगे तो ये ग्रुप 56-57 का और आपका हरियाणा पुलिस का, ये दो पेपर ले सकते हैं, ये भी ले ले तो गनीमत है, ठीक है। फिर अगर अगर आपके पास अगस्त और सितंबर, ठीक है, 2 महीने, 2 महीने के तहत अगर ये सीटी प्री और मेंस में जाएंगे तो कोई भी भर्ती पॉसिबल है, नहीं हो पाएगी भर्ती। हो सकती है अगर ये कह रहे हैं 50,000, तो विदाउट सीईटी ही ऑप्शन बचता है, विदाउट सीईटी। हाँ, ग्रुप डी की भर्ती चाहिए तो ये सीईटी में ले ले, उसमें तो एक ही पेपर होना है, तो उसको तो नाम ही सीईटी देना है, ये सीईटी समाप्त कर देना तो जाकर है ना ये भर्तियां हो जाएगी 50,000। तो ये नई भर्तियों का बोल रही है, क्या बोल रहे हैं देखो, आज राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है, शीघ्र विभिन्न श्रेणियों में 50,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें 50,000 में पुरानी भी तो भर्तियां हैं, क्या उसकी बात कही गई है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके अलावा युवाओं को ग्रुप डी की नौकरियां भी दी जाएगी, तो यही मैं कह रहा हूँ, एक ग्रुप डी की तो एक वैकेंसी हर हाल में आएगी, क्योंकि 2019 में इलेक्शन लिया जो सरकार बनी थी इनकी, तो ये 18,000 ग्रुप डी की भर्तियों पर ही इन्होंने सरकार बनाई थे जो लास्ट टाइम ये आए थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कारण विभिन्न किसी भेदभाव के, ये तो वैसे कहने की बात है, ठीक है। हम जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, युवाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसकी पुरजोर वकालत करेंगे। कांग्रेस के नेताओं का भविष्य अंधकार में हुआ है, सीएम साहब कह रहे हैं कांग्रेस के चलो अंधकार में हुआ है, आपकी बात ठीक है, लेकिन युवाओं का भी भविष्य अंधकार में है। जो 20 ग्रुप वाले बच्चे लग गए हैं ना, वो भी अभी है ना, मतलब इतने दुविधा में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन बच्चों की आप सुनिए, उनका कोई कसूर नहीं है, सरकार का कसूर है। कलर्क वाली भर्ती में कोर्ट ने सरकार एचएस आयोग को जिम्मेवार ठहराया। अब आप अपनी गलती है ना, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिन नए बच्चों को मौका मिले उतनी पोस्ट बढ़ाकर उनको जॉब दे दो, हमें वो भी मंजूर है, लेकिन इनको हटाना मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द निर्णय होगा। अब ये देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो पता नहीं कितना टाइम और ले लेंगे। युवाओं में पारदर्शिता आगे, अब यहाँ पर आज माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का बयान आया है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी की डी की भर्तियों पर फिलहाल संशय, मगर 5 दिनों तक स्थिति हो सकती है स्पष्ट, यानी अगले 5 दिन तक। ये मैंने पूरी पढ़ ली, अभी हम देख रहे हैं रिव्यू में जाइए सुप्रीम कोर्ट हिम्मत सिंह, 2-4-5 दिनों में स्थिति क्लियर हो जाएगी, यानी अगले 5 दिनों में एचएसएससी की तरफ से आपको कोई नया नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद थी कि चेयरमैन बनते ही ना हरियाणा पुलिस का फिजिकल का शेड्यूल आ जाएगा ग्रुप 56-57 का, क्योंकि वो तो कैंसिल ही कर गया दिया गया है। अब कैंसिल है तो प्री का रिजल्ट दोबारा आएगा। अब ये कह रहे हैं हम रिव्यू के लिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसमें कितना टाइम है लग सकता है। अगर नए इनको भर्ती करनी है ना, तो 56-57 को अगर क्वालिफाई कर दे तो शायद इस पर केस ना लगे, और नए सिरे से सीईटी में ना, सीईटी के इसको समाप्त करके ही ना ये 50,000 भर्तियां पूरी हो सकती है, अदरवाइज ये 50,000 भर्तियां पूरी नहीं होगी। हां, इतना कह सकता हूं ये ग्रुप डी का एक ये कैसे लॉलीपॉप दे सकते हैं युवाओं को, क्योंकि ग्रुप डी में एक डायरेक्ट पेपर है, यही 2019 के चुनाव से पहले 18,000 भर्तियां इन्होंने ग्रुप डी की थी, तो ग्रुप डी की भर्ती पर तो 100% नया, चाहे वो सीईटी के तहत हो, सीईटी उसमें तो सीईटी नाम ही है, ग्रुप डी की भर्ती आएगी। हाँ, सीटी ग्रुप सी की भर्तियों पर भी अभी भी संशय बना हुआ है, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए हरियाणा पुलिस के लिए, और जो मतलब जो जितने भी आगे एग्जाम होने हैं ग्रुप डी के लिए, उनके लिए लाइव क्लासें आपके चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे एक टीचर का मोटिवेशन का काम मिलता है।
तो आपका क्या राय है, कमेंट कीजिए, क्या ये भर्ती पॉसिबल है, सीईटी के साथ पॉसिबल है या विदाउट सीईटी के साथ है पॉसिबल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।